बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से कि कोरोना के बाद अब जो है आम आदमी पर बस के किराया के वृद्धि के जो है अब भार पड़ी। अब काहे कि मध्य प्रदेश सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा 25% जो है राशि जो है वृद्धि की गई ही किराया में विंध्य क्षेत्र के। अब पहल बघेली न्यूज चैनल महम करीश तिवारी अपना पंचांग का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी बेहद बड़ी खबर के कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्राइवेट बसन के किराया में 25% के वृद्धि की गई ही। यह संबंध में परिवहन विभाग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जोने के मुताबिक बस के न्यूनतम किराया 7 रुपये तय किया गया है, जबकि सामान्य तौर पर 1.25 रुपया प्रति किलोमीटर के दर से किराया तय हुई। एक अलावा लग्जरी बसन में किराया 25% से 75% तक वृद्धि की गई ही। आदेश में कहा गया है कि लग्जरी बस जैसा डीलक्स, नॉन एसी, स्लीपर, डीलक्स एसी और सुपर लग्जरी कोच के तय किराया में रात्रि प्रभार यात्रियों से न वसूला जाए, बल्कि रात्रि प्रभार सिर्फ सामान्य बस ऑपरेटर ले सका थे। बता दें कि ऐसे पहले सरकार के द्वारा 28 मई 2018 का बस के किराया 1 रुपया प्रति किलोमीटर तय किया गया रहा, लेकिन अब एक का जो है 1.25 रुपया कह दिया गया है। निश्चित तौर पर यह बेहद बड़ा निर्णय मध्य प्रदेश के परिवहन विभाग के द्वारा लिया गया है। मध्य प्रदेश प्राइवेट बस ऑनर्स एसोसिएशन पिछले 1 साल से किराया बढ़ावे की मांग कर रहा है। एक ही एसोसिएशन के द्वारा कोरोना महामारी के हवाला दिन गया। उनका कहा है कि पिछले साल लॉकडाउन के कारण जो है बसन के संचालन पूरी तरह से बंद रहा। यह साल मार्च से सरकार के द्वारा फिर महाराष्ट्र आवे जाए में रोक लगाए दिन गए। एक बात जो है प्रदेश के कई शहरन में कोरोना कर्फ्यू लगाए दिन गया है, ऐसा में बस के संचालन मुश्किल हो लगा है। यह बीच डीजल के दाम भय के कारण लागत तक नहीं निकल रही है, तो मतलब कुल मिला के या जो है मांग बस एसोसिएशन के द्वारा कीन का रहा और जोने पर मांग का मानक कीन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अब किराया में 25% के बढ़ोतरी कीन गई ही। तो मतलब अपना समझ ली कि जो किराया पहले मान ली कि 1 रुपया रहा तो वह अब 1.25 रुपया हो गया। मतलब यदि कौनों एक जगह से दूरी एक जगह से दूसरे जगह जाए है, मान ली सीधी से रीवा जाए है, यदि 100 रुपया किराया है तो अब जो है वह किराया 125 रुपया हो गया है। तो यह मतलब अपना खितिर अब अधिभार आए है कि मतलब अपना के ऊपर अब एक बोझ पड़ी रहा है कोरोना के महामारी के मारते रहबे भय। अब बस में सफर करब महंगा हो चुका है और अपना परिजन को बता दें कि तय कीन गए मका का वृद्धि हुई। सामान बस में यदि रात्रि सेवा ले थे बस के तो 10% वृद्धि हुई। डीलक्स बस नॉन एसी में 25% की वृद्धि है भय। स्लीपर कोच यदि पहुड़े वाली सीट ही जो उन्हें माँ ओम जय थे तो 40% की वृद्धि है। डीलक्स एसी बस में 50% की वृद्धि है। सुपर लग्जरी कोच में 75% किराया बढ़ावा गया है। तो निश्चित तौर पर अब कहो न कहो यह कोरोना के साथ नया अधिभार जो है बस में सफर करे वाले के ऊपर पड़ी। तो यह सरकारन की नीति जो है बनाई गई ही। अब देखब दिलचस्प हुई कि का आमजन में एक विरोध होते है या फिर एक सहज रूप से आमजन स्वीकार कर लेते हैं। अपन बहुत ख्याल रखब, अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।